त्रेता युग में जब रामचंद्र लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में लौटे थे, उस वक्त जैसा माहौल था, पूरी अयोध्या जगमगा रही थी और उत्सव का माहौल था, दिए चारों तरफ जगमगा रहे थे, जलाए जा रहे थे, आज भी वैसा ही माहौल है। दिवाली की पूर्व संध्या पर यानी छोटी दिवाली पर देख सकते हैं कि पूरा यहां पर 17 लाख दिए जलाए जाएंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपोत्सव की शुरुआत करेंगे, प्रारंभ करेंगे, दिया जला करके एक मोर रूपी जो दीप है उसको प्रज्वलित करके, उसको जला करके जब दिए दीपोत्सव की शुरुआत करेंगे, तो पूरा ये राम की पौड़ी पे जो पूरा दिए लगाए गए हैं वो जलाए जाएंगे। लेकिन पूरे अयोध्या में सिर्फ राम की पौड़ी नहीं, पूरी अयोध्या में पूरा उत्सव का माहौल है, पूरा आज अयोध्या जगमगा उठेगा थोड़ी देर के बाद। और पूरी जो क्या क्या तैयारियां हैं अयोध्या में उसके बारे में एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उससे पहले पताकों पर श्री राम, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अक्षर बिहारी, रेत पर उकेरी गई आकृतियों में श्री राम, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, चौक चौराहों पर श्री राम, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अक्षर बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मंदिर से लेकर घाटों तक श्री राम ही श्री राम, जाए पर वचन न जाई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अयोध्या में सरयू नदी पर बने घाट के किनारे, रेत हो या शहर के बीच की दीवारें, हर ओर राम कथा के प्रसंग उकेरे जा रहे हैं। तो अयोध्या के कण कण में श्री राम विराजमान है, लेकिन दीपावली के इस खास मौके पर रामायण के चरित्र को जीवंत किया जा रहा है। अयोध्या सरयू तट पर स्थित वीवीआईपी सरयू अतिथि गृह के सामने वाराणसी से आए काशी विद्यापीठ फाइन आर्ट्स विभाग के छात्रों की ओर से रामायण के समय के चरित्रों का रेत पर चित्रण किया जा रहा है। दीपावली के पावन मौके पर भगवान राम के स्वागत के लिए पूरा शहर सज धज कर तैयार है। राम नाम के झंडे नजर आ रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम की झांकी वाले होर्डिंग्स भी हैं, जगह जगह द्वार भी बनाए गए हैं। हम इस वक्त पहुंचे उस जगह पर जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरी अयोध्या किस जंग से तैयारी है स्वागत करने के लिए। प्रधानमंत्री का दीपोत्सव है, उससे पहले प्रधानमंत्री राम की पौड़ी पर इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव जो कि कई दिनों से अयोध्या की तैयारी में हुए हैं कि किस तरह से दीपोत्सव को लेकर के तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री के दीपोत्सव की शुरुआत के समर्थ क्या खास तैयारियां हैं? पिछले 5 साल से दीपोत्सव का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन इस बार खुद प्रधानमंत्री मौजूद रहने वाले और अपने आप रिकॉर्ड होगा। देखिए, दीपोत्सव अयोध्या में हर साल मनाया जा रहा था, पर इस साल ये दीपोत्सव काफ़ी अलग है और काफ़ी खास है। जो मुख्य दो कारण हैं वो मैं आपको बताऊं कि पहली दफ़ा है जो प्रधानमंत्री मोदी दीपोत्सव में हिस्सा लेने आ रहे हैं, और ये भी पहली दफ़ा है जब यूपी में सीएम रिपीट हुआ है, और वही रीज़न है कि दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला दीपोत्सव होने वाला। तो ये दो प्रमुख कारण है जिस वजह से दीपोत्सव में इस बार नयापन है। और एक और बात इसमें ऐड ये होती है कि 17 लाख दिए अभी तक इतिहास में कहीं भी एक साथ नहीं जले हैं, और ये इतिहास आज रचा जाएगा। हालांकि यूपी सरकार ने राम की पैड़ी पर 15 लाख का टारगेट रखा है, पर 17 लाख बिछा दिए गए हैं। मेरी मौजूदगी भी आपकी तरह राम की पैड़ी पर है। पहले वो सुंदर तस्वीर राम की पैड़ी पर आप देखिए, जो राम की पैड़ी जो अयोध्या को अद्भुत बनाती है, जो कैमरामैन संदीप दिखाएंगे, एक लॉन्ग फ्रेम दिखा रहे हैं यहाँ से, जहां से पूरी राम की पैड़ी, सरयू का वो तट, राम की वो धुन और तमाम वो वॉलंटियर्स जिन्होंने दिन रात एक कर दिए हैं दियों को जलाने में, दियों को लगाने में। अभी आप देखेंगे तस्वीरों में अगर, तो दियों में तेल भरा जा रहा है, रुई रखी जा रही है, क्योंकि कुछ समय शेष है, जब शाम होगी
जो सूर्य है वो ढलेगा और उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री का जब आगमन होगा और वो मोर रूपी जो दीप है उसको जैसे ही जलाएंगे, यहाँ पूरा दीपोत्सव यानी कि पूरा जो राम की पैड़ी है जहाँ दिए बिछे हैं वहाँ जगमग होगा। और ये जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं राम की पैड़ी की, ये वो हिस्सा है जहाँ पर लेजर शो होना है, हर साल चर्चा में रहता है। हालांकि वाराणसी के दीपोत्सव में भी लेजर शो की शुरुआत हो चुकी है, पर यहाँ का लेजर शो इसलिए अहम है कि पूरा रामायण जो है, पूरा प्रभु राम का जीवन वर्णन जो है वो लेजर शो के जरिए यहाँ उसका वर्णन होता है, और इसी के जरिए और यही सारी चीजें जो है वो अयोध्या को और बने रही हमारे साथ, मेरे साथ कुछ जो कि कई दिनों से तैयारियां करते थे इस ओकेजन के लिए, जो दीपोत्सव आज मनाया जा रहा है, जो तैयार किए गए हैं, जो प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे शुरुआत करेंगे उसके जगमगा पूरी राम की पौड़ी पूरा आएगा। बात करते हैं आप लोग कहां सर? हम लोग विश्वविद्यालय छात्र हैं और सर इंटर हैं। तैयारियां की गई हैं कैसा किस तरह से? जी सर, हम काफी उत्साहित हैं अपने मतलब दीपोत्सव के लिए, और हम 3 दिन से लगातार करते हैं। और नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, कहा जा रहा है त्रेता युग में जो दीपावली थी जब रामचंद्र आए थे वैसा ही पूरा अयोध्या को सजाया गया। तो आप क्या क्या जिम्मा है? हमने दिए लगाए और हमने यूनिटी दिखाई और उसमें तेल डाला सारी चीजें की, और हमें साथ और हमें इतना काम करने के बावजूद हमारा साथ जो है वो बना रहा। ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कह रहे हैं कि 17 लाख दिए आज होंगे, पूरा अयोध्या जगमगा उठेगा शाम को, प्रधानमंत्री आएंगे, रामलाल दर्शन भी करेंगे और फिर यहाँ पर दीपोत्सव की तैयारियां होंगी। जो आप देखते रहे आप यही के तो जिस दिन से कहा जा रहा है कि त्रेता युग में सेलिब्रेशन भी होते जगमगा उठेगी, तो आज जो तैयारियां हैं पूरी अयोध्या के अंदर एक नया ढंग देखने को मिल रहा है, पूरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने पूरा दीपोत्सव की पूरी तैयारियां की थी, अलग अलग जगह से अलग अलग कॉलेजेस से हैं जो कि यहाँ कई दिनों से जुटे हुए थे। तो आप मेरे साथ मौजूद हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पूरे शहर को किस दिन से तैयार किया गया है, किस दिन से तैयारियां की गई हैं, अलग झलकियां झांकियां शहर में आज दिखाई दी थी और रामलीला का मंचन भी किया जा रहा है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अयोध्या की संकेत और नीचे होंगे तो आपने देखा होगा जहाँ जहाँ जाके गाड़ी जा रही होगी आपको इर्द गिर्द भगवान झंडे नजर आते होंगे, श्री राम के झंडे नजर आते होंगे, कई नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनकी तस्वीरें रखी होंगी, जो लड़के सजे हैं उनको भी जो भगवा रंग के कपड़े हैं उनको कवर कर दिया गया है। तो ये तमाम चीजें बता रही हैं कि अयोध्या कौन तैयार है। ये तो जिनकी होती है, हमने रात की तस्वीर भी रिपोर्ट की है, रात की तस्वीर मानो ऐसी रखी है जैसे कि पूरा श्रृंगार कर दिया गया हो, एक दुल्हन की तरह अयोध्या को सजा दिया गया हो। जितने 15 द्वार बनाए गए हैं यहाँ पर, 15 द्वार जैसा कि हनुमान द्वार, शबरी द्वार, भरत द्वार, 15 कुछ द्वार बनाए गए हैं रामायण के किरदारों पर जिनकी भूमिका प्रभु राम के जीवन में भी एक तरह से अभिन्न रही है,
अहम रही है, जो भी दिखाने का प्रयास किया गया है। यही नहीं, रामलला जहाँ पर विराजमान है उसके इर्द गिर्द तीनों को गेट से खुला दिया गया है और वहां भी पहला जीत प्रज्वलित प्रधानमंत्री ही करेंगे। जिसके बाद अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत होगी, अक्सर दीपोत्सव में यहाँ पर आकर उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तमाम तरीके के मेले लगे हैं, एनिमल लगे हैं। मैं जहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहां पर आपको जी अगर दिखाऊँ पहुंची यहाँ से तो आप देखेंगे जिन प्रोजेक्टर लगे हुए हैं कुछ देर में ये भी जलना शुरू हो जाएंगे। रिहर्सल लगातार इनका चल रहा था और सामने आप अगर चीज देखेंगे आपको असंख्य वॉलंटियर्स यहाँ पर नजर आएंगे जो जय श्री राम के यहाँ पर उद्घोष करते नजर आ रहे हैं और इस तस्वीरें बयां कर रही है कि अयोध्या कितना ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि ये मौका साल में एक बार आता है और अयोध्या वासी जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो लड़के हैं लड़के हैं कॉलेजेस के जो दिन रात एक करते हैं यहाँ पर अयोध्या का नाम हर साल यूनेस्को के वर्ल्ड रिकॉर्ड में लाने के लिए, और यही मतलब है यहाँ से दिखाने का चीजें, क्योंकि ये एक त्यौहार बन गया है और इस त्यौहार को जीना शायद हमने आपने सभी ने सीख लिया है और दिवाली के आपने सभी ने सीख लिया है और ये दिवाली के पहले अब फिलहाल मैंडेटरी नजर आता है। बैक टू यू। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद समर्थ हमसे बात करने के लिए और अयोध्या के बारे में बताने के लिए किस ढंग से पूरी सजाई गई है, अयोध्या किस ढंग से जगमगाने वाली है, पूरा उत्सव का माहौल है। अभी तक के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।